इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में सबका रुख। रामगढ़ में इस तरह का आतंक हमेशा से फैला रहा है, जो हमेशा से भय, भ्रष्टाचार और आतंक का एक माहौल रहा है। लोग हमेशा से यहाँ पर डर से रहने लगे। काम और करके दिखाते कि सभी जगह पर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहता, सभी जगह पर शिक्षक भी होते और बच्चों की देखिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ माननीय हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जो अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके आज की सभा को संबोधित उन्होंने किया है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से और इंडिया गठबंधन के नाम से जो ये जनसैलाब आप लोगों ने देखा, निश्चित तौर पे पूरे तमाम देशतुल्य जनता का झुकाव इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, जो आपने आज देखा भी है। कई लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ की जिला परिषद सदस्य गई है, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, उससे पार्टी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम लोग को भी फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीति है, राजनीति में आना जाना सभी का लगा हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में उनका भी आगमन फिर से घर वापसी हो ही जाएगा। देखिए, कभी भी सरकार अगर कोई योजना चलाती है तो वो सरकार अपने फायदे के लिए नहीं चलाती। सरकार इस उद्देश्य से चलाती है कि जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो खासकर हमारी महिला बहन है, उसको कैसे सशक्त बनाया जाए। जिस उद्देश्य से सरकार ने मैया सम्मान योजना चलाया है और कहीं ना कहीं मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मैया सम्मान योजना चल रहा है, काफी महिला बहनें खुश हैं और वो अपने आप में एक शक्तिशाली और अपने आप में एक सक्षम महिला के रूप में अपने आप को देख रही है, क्योंकि वो घर में भी उस पैसे से हेल्प कर पा रही है और कई ऐसी बहनें हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई में या कॉपी किताब इन सब में भी मदद कर पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये योजना काफी अच्छी है, खासकर बहनें काफी खुश भी हैं। हेमंत सरकार हेमंत सोरेन के आने से यहाँ पे क्या जनता में बदलाव आएगा? जी, निश्चित तौर पे आज अगर ये जनसैलाब आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम पे और इंडिया गठबंधन के नाम पे, ये जनसैलाब आपको देखने को मिला है और ये भीड़ केवल किसी पैसे की भीड़ नहीं है, केवल सर के नाम से यहाँ पर लोग आए हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग आए हैं। मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगी कि जो रामगढ़ में इस तरह का आतंक हमेशा से फैला रहा है, जो हमेशा से भय, भ्रष्टाचार और आतंक का एक माहौल रहा है, लोग हमेशा से यहाँ पर डर से रहने लगे हैं। लेकिन हम ये अपील करेंगे सभी लोगों से कि डर से बाहर निकलिए, आपके लिए आपकी सरकार खड़ी है, आपके लिए आपके मुख्यमंत्री खड़े हैं, आपके लिए आपकी बहन ममता देवी खड़ी है। आप डट करके किसी का मुकाबला कीजिए, आपके सामने हम लोग खड़े हैं और आप लोग मिल करके इंडिया गठबंधन को जिताइए। और जो चुनाव चिन्ह है इंडिया गठबंधन का इस रामगढ़ में, वो है चुनाव चिन्ह 7 जो क्रम संख्या 2 में है। मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग 20 तारीख को अपना एक एक वोट एक आशीर्वाद के रूप में मुझे दें और इस क्षेत्र का आपके मार्गदर्शन में हम विकास कर सके, ये संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। त्रिकोणीय चुनाव से किसको कितना फायदा मिलेगा? जी, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई त्रिकोणीय चुनाव ऐसा है। यहाँ बस हम ये जानते हैं कि इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में सबका रुख है। स्टूडेंट सब आदमी शिक्षा ग्रहण के लिए हजारीगढ़ और रांची प्लान कर रहे हैं, अगर आप सरकार आती है तो स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए? जी, निश्चित तौर पे हम लोगों ने पहले भी कहा है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं काम के लिए। और आपने देखा भी होगा कि जब हम विधायक थे और हमारा जो 3 साल का कार्यकाल था, हमने रामगढ़ कॉलेज जो महिला विद्यालय है और वहाँ पे रामगढ़ कॉलेज में भी कई सारा हमने काम किया, आदिवासी छात्रावास बनाया मेरे कार्यकाल में हुआ। जो कस्तूरबा विद्यालय है वहाँ पे कमरे नहीं थे, वहाँ पे हमने कमरे वहाँ पर बनाया है। आपका गोला प्रखंड में ही डिग्री कॉलेज का निर्माण हमारी अनुशंसा से हुआ, हमारे कार्यकाल में हुआ। SS+2 हाई स्कूल, वहाँ भी 20 कमरे का रूम तैयार किया गया है। और साथ ही जितनी भी सरकारी विद्यालय थे, खासकर गोला प्रखंड में भी, वहाँ पर सभी विद्यालयों का बाउंड्री वॉल भी कराया। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं कि बेहतर से बेहतर काम कर सके। वो एक समस्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी हजारीबाग या रांची में मिल पा रहा है, वो जिले में नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक तो हमारा टर्म काफी छोटा था और हम तो कोविड से जस्ट 2 साल बाद निकले, और जो 1 साल था और 1 साल के दरमियान में जितना हमने करने का प्रयास किया, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मुझे और समय मिलता तो मैं इससे बेहतर काम और करके दिखाती कि सभी जगह पर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहता, सभी जगह पर शिक्षक भी होते और बच्चों की पढ़ाई की तादाद भी काफी ज्यादा रहती,